गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास 7 का बुक है आपका जीके का। आइए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये रहा आपका कंटेंट्स। आइए सिलेबस देखते हैं। पेज नंबर 5 to 17 जो है हमें यूनिट 1 के लिए पढ़ना है। कंप्लीट सिलेबस आपका ये है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तभी हमें पेज नंबर 5 to 17 पढ़ना है यूनिट 1 के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। योगा एंड हेल्थ, योगा एंड हेल्थ, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 5 पे। योगा क्या होता है, यानी कि योग क्या है। ठीक है, सभी जानते हैं योग का नाम लेते हैं आपके दिमाग में बाबा रामदेव जरूर आते होंगे। व्हाट इज योगा? योगा इज कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। यानी कि योगा जो है वो जीवन का विज्ञान है। ठीक है, ये और ये पूरी तरह से भारतीय है। योगा जो है वो पूरी तरह से भारतीय है। इसकी शुरुआत जो है हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, आप देखते होंगे कि बहुत प्राचीन है, बहुत हजारों साल पहले से चलते आ रहा है। जो भी ऋषि थे, महात्मा थे, वो योग करते थे। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इन वर्ल्ड, इनकम्पासिंग द एंटायर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि ये दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम है जिसके द्वारा आज पर्सनल डेवलपमेंट किया जा सकता है। और यानी अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपने स्पिरिट को आप अच्छे से और संतुलित बना सकते हैं। इट इज ए यूनियन बिटवीन पर्सन्स ऑन कंसाइसनेस एंड यूनिवर्सल कंसाइसनेस। यानी कि ये किस चीज़ का मतलब बीच में संबंध, ये एकता है, कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के खुद का जो ज्ञान है, ठीक है, और जो यूनिवर्सल यानी कि जो ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, मतलब दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करने का एक बेहतर तरीका है योगा। 8 stages ऑफ योगा, योगा के 8 stages होते हैं। पहला है यमा, यानी कि यम सेल्फ कंट्रोल, इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। नियम, यानी कि नियमा, नियम, ये रिलीजियस ऑब्जर्वेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिलीजियस ऑब्जर्वेशन। आसन, यानी कि आसना, यानी कि पोश्चर, यानी आपके बैठने का तरीका। प्राणायाम, ब्रीथ रेगुलेशन, जो सांस लेके और छोड़ते हैं, बाबा रामदेव भी बहुत बार दिखाते हैं, करते हुए बताते हैं। प्राणायाम के बाद में है प्रत्याहारा, इसका मतलब होता है रिस्ट्रेन ऑफ वन सेंस। ठीक है ना, यानी कि आपके सेंस के ऊपर, यानी खुद के सेंस के ऊपर इतना संयम, अपने इंद्रियों पे इतना कंट्रोल हो। नॉट गिविंग इज टू टेम्पटेशंस, यानी कि आप किसी भी चीज को लेके आपके अंदर लोभ लालच ये सारी चीजें नहीं आती हैं, वो स्टेज होता है। उसके बाद में धारणा, धारणा किस चीज से रिलेटेड है, वो कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन कितना है, बेहतर हो सकता है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। समाधि, समाधि क्या होता है, एक फाइनल इलेवेशन टू परफेक्ट ट्रू नॉलेज। यानी कि जो समाधि जो होता है वो सबसे लास्ट स्टेज होता है। इसके अंदर जो व्यक्ति है वो दुनिया के सांसारिक मोहमाया को छोड़कर जो एक ट्रू नॉलेज होता है उसको प्राप्त कर लेता है। उस तरह से 6 branches ऑफ योगा, योगा के 6 branches है। हठ योगा, हटा जो लिखा हुआ है आप इसको हठ योगा कर सकते हैं। इज द पाथ ऑफ फिजिकल योगा और योगा ऑफ पोश्चर,
यानी कि हठ योगा जो है वो फिजिकल योगा है, या योगा के पोस्चर जो है यानी कि जो बैठने का तरीका होता है योगा के अंदर, इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ योगा, और ये योगा का बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है। भक्ति योगा यानी कि भक्ति योग इज द पाथ ऑफ हार्ट एंड डिवोशन। ये क्या है? हार्ट एंड डिवोशन का एक तरीका है, पाथ है, रास्ता है, और द योगा ऑफ डिवोशन, डिवोशन का योग है। राजयोग, राजा योगा यानी कि राजयोग इज द पाथ ऑफ योगा डैट फोकसेस ऑन मेडिटेशन एंड कंटेम्परेशन। ये किस चीज पे फोकस करता है? मेडिटेशन और कंटेम्परेशन में फोकस करता है, कंटेम्परेशन। ज्ञान योग जो है वो किस चीज़ का होता है? इज द पाथ ऑफ योगा डील विथ विस्डम एंड नॉलेज, जो कि ये योग का ऐसा रास्ता है, ऐसा पाथ है जो नॉलेज और विस्डम के साथ डील करता है। कर्म योग जो है ना, कर्म योगा बिलीफ करता है, यानी कि एक बिलीफ्स है दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज बेस्ड ऑन द योर पास्ट एक्शन, यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपका वो आपके पास्ट में किए गए, आपने जो एक्शन लिया था, जो कार्य किया था, उसके आधार पर आपका प्रेजेंट है। उसी में तंत्र योग, तंत्र योग जो है वो आपका पाथ है, रिचुअल इज द पाथ ऑफ रिचुअल एंड परहैप्स द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पाथ। ये तंत्र योग जो है जिसके अंदर आप कर्मकांड वगैरह, यानी कि जो पहले से चले आ रही प्रथा है, कर्मकांड है, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो योगा का हो गया ये 8 स्टेज हो गया आपका, और ये 6 ब्रांचेज हो गए।